सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज लाया हूं मैं जोजो रैबिट की कहानी। जी हां दोस्तों, जोजो रैबिट ये मूवी आई थी पिछले साल, बाहर रिलीज हुई थी, फाइनली ये आ चुकी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपको मिल जाएगी और जहां पे भी मिलेगी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इसी मूवी के बारे में कि आखिरकार ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए और बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतनी अच्छी मूवी उभर के आई है और अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चा बच्चा और बहुत बड़े लोग भी इस फिल्म को देख के बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी फिल्म उभर के आई है जिसका नाम है जोजो रैबिट, जिसके डायरेक्टर है टाइका वाटिटी, यानी जिन्होंने बनाई थी हमारे लिए थॉर द रैग्नारोक जैसी फिल्म। तो चलिए आइए मिलके देखते हैं इसका रिव्यू। तो लेट्स बिगिन। जोजो रैबिट, इस फिल्म के डायरेक्टर है टाइका वाटिटी, इन्होंने स्क्रीन प्ले लिया है, लिखा है, और उनको इस स्क्रीन प्ले के लिए यानी बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले फॉर ऑस्कर इनको ही मिला है। इस साल का ऑस्कर जो हुआ था उसमें बेस्ट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर मिला था हमारे टाइका वाटिटी को बिकॉज ऑफ जोजो रैबिट। जोजो रैबिट इसमें हमें देखने को मिलते हैं थॉमस या मैकेंजी जैसे कैरेक्टर्स, और इसमें हमें रेबेल विल्सन भी देखने को मिलती है, ऊपर से हमारी जो स्कारलेट जॉनसन है यानी हमारी जो ब्लैक विडो है वो भी देखने को मिलती है। टाइका वाटिटी तो है ही एडॉल्फ हिटलर के किरदार में, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो उनका एक्टिंग का जरिया और एक्टिंग की जो कलाकारी है ना वो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हुए दिखते हैं। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं एक अलग सा माहौल बन जाता है, एक अलग से उनकी तरफ भी ध्यान जाता है। फिर भी इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है रोमन डेविस, वो भी बहुत बेहतरीन किरदार है भाई लोग, उसकी ये फर्स्ट फिल्म है एज अ फिल्म के हिसाब से बोला जाए तो। इसके पहले उन्होंने छोटी बहुत फिल्में की है, बट अगर बड़ी फिल्म की बात की जाए और फिल्म की बात की जाए तो उनकी ये फर्स्ट फिल्म है जहाँ पे वो कहीं पे भी कम नहीं होते। उनके सामने टाइका वाटिटी जैसे एक्टर्स खड़े हैं जिनको हम लोग देखते ही रहते हैं, फिर भी वो कहीं पे भी कम नहीं पड़ते। ये एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम है जोजो, जो रहता है जर्मनी के एक जगह में, जो अपनी सिंगल मदर के साथ रहता है, और उसकी माँ ने एक ज्यूइश लड़की को पना दी है अपने घर में, और वो उसके दुनिया में खोया हुआ है, और उसको राष्ट्रवाद, उसके अंदर अंधराष्ट्रवाद भरा पड़ा है, यानी वो अंधभक्त बन चुका है एक तरह से एडॉल्फ हिटलर का। तो उसके जो इमेजिनरी फ्रेंड है उसको एडॉल्फ हिटलर ही दिखते हैं इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, जो कि हमारे टाइका वाटिटी निभाते हुए दिखते हैं। बहुत बेहतरीन सी स्टोरी है, और साथ ही साथ वो ज्यूइश लड़की जो है जिसका नाम है थॉमसिया मैकेंजी, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी एक्टिंग की है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग उनको हॉबिट और द किंग के सीरीज में देख चुके हैं, वही एक्टर है ये थॉमसिया, बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हुए वो भी दिखती है। ये जो छोटा सा 10 साल का लड़का है ना, और इसके दिमाग में जो राष्ट्रवाद भरा पड़ा है वो आपको देखने लायक है, और वो आपको चौंका देगा कि भाई नहीं, कोई एक जरिया, कोई एक आपका जरिया जो है, आप जिस एंगल से उस चीज को देख रहे हो, ये 100% तो श्योर नहीं कि आपका एंगल ही सही रहे हमेशा। आप जो देख रहे हो, आपको जो पता है, आपको जो बनना है वही हमेशा सही रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा इस फिल्म में हमें पता चलता है कि भाई एक और एक एंगल भी हो सकता है जो एक्चुअल में सच भी हो सकता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी रखी गई है, जब एडॉल्फ हिटलर थे और जर्मनी और जापान मिलके पूरे वर्ल्ड के साथ लड़ रहे थे, और एडॉल्फ हिटलर का तो बोलना ही था कि भाई पूरे वर्ल्ड पे मैं ही कब्जा करूंगा, मैं ही राज करूंगा, इस वजह से वो वर्ल्ड वॉर टू चालू हुआ था। तो एक बच्चे के नजरिए से वो वर्ल्ड वॉर टू दिखाना, लास्ट के जो इंटेंस सीन है ना वो आंखों में आंसू ला देते हैं। अगर आप उस वर्ल्ड वॉर के सीन को फील कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको आंसू लाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सा डायरेक्शन रखा गया है, टाइटा और टीनी का बेस्ट डायरेक्शन इस फिल्म में हमें नजर आता है। बहुत अच्छी फिल्म उभर के आई है, आपको ये देखनी चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत इमेजिनरी, बहुत ज्यादा चीजें पता चलती है, जैसे मैं बोलते आता हूँ ना कि भाई अगर आपको कुछ पाना है या फिर आपको कुछ चेंज लाना है तो प्यार और मोहब्बत जो चीज होती है वो आपको पता चलेगी इस फिल्म में कि भाई वो क्या क्या नहीं कर सकती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। और ये जो 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 है इसका तो बचपन से ही सपना रहता है कि मैं नाजिस के तरफ से लड़ूं, इस वर्ल्ड वॉर और इस जंग का हिस्सा बनूं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इनोसेंट सा लड़का बताया गया है, बट उसके जुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं ना वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और वो सच्ची घटना पे आधारित है ऐसा भी बोलना चाहूंगा मैं कि भाई हाँ, उस जमाने में ऐसे लोग थे, ऐसे बच्चे थे जिनको इस आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, और जो गर्ल्स वगैरह है जो कि लेडीज लोग हैं उनको कुछ अलग ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। बट हाँ, यहाँ पे 100% मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई साथ मिलके देखो, फैमिली के साथ बैठ के देखो ये फिल्म,
बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल फिल्म है यार। मेरे को आंखों में तो आंसू ही आ गए थे जब मैं लास्ट सीन देख रहा था ना, वो जो पूरा का पूरा सीन था उसके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको देखना मस्ट वॉच है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। कहीं पे भी ये नहीं गिरती है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई बोर कर रही है चीज, मैं क्या देख रहा हूँ, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है कि हाँ सच में ऐसा भी है और ऐसी भी हमारी सोच है। तो ये भी आज की जनरेशन को पता भी चल जाएगा और बहुत अच्छी फिल्म उभर के आई है। तो ओवरऑल यही है मेरी जोजो रैबिट की स्टोरी, जो मैंने आपको बताई कि भाई जोजो रैबिट इतना अच्छा है कि आपको देखना ही बनता है। इंडिया में क्यों रिलीज नहीं हुई थी वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ ये इंडिया में रिलीज होनी चाहिए थी। अभी आ गई है, हिंदी में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो बने रहिए, तब तक कीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।